नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व बाघ दिवस पर बाघों के संरक्षण पर हुई चर्चा, पूरी दुनिया में बाघों को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, 57 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 2500 के पार। इकतीस जुलाई से लॉकडाउन की खबर है झूठी, सूचना विभाग ने ट्वीट कर वायरल हो रही खबर को बताया फर्जी। घर में आग लगने से बेघर हुए पीड़ित को दिया गया 2022 का चेक, बैंक ने कहा 2 साल बाद मिलेंगे पैसे। और गंगा और कोशी का जारी है कोहराम, हजारों लोग हुए बेघर, सड़क पर जीवन यापन करने को है मजबूर। अब समाचार विस्तार से। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है, साथ ही देश की शक्ति, शान, सतर्कता, बुद्धि और धीरज का प्रतीक माना जाता है। बाघ भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाया जाता है। शुष्क खुले जंगल, नम और सदाबहार वन से लेकर मैंग्रोव दलदलों तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है। चिंता की बात यह है कि बाघ को वन्य जीवों की लुप्त होती प्रजाति की सूची में रखा गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि सेव द टाइगर जैसे राष्ट्रीय अभियानों की बदौलत देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। दरअसल बाघ संरक्षण के काम को प्रोत्साहित करने, उनकी घटती संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। इस सम्मेलन में मौजूद विभिन्न देशों की सरकारों ने 2022 तक बाघों की आबादी को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया था। बाघों की लुप्त होती प्रजातियों की ओर ध्यान आकर्षित करने, उनकी रक्षा करने और बाघों के पारिस्थितिकीय महत्व बताने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों के बारे में यह जानकर आपको खुशी होगी कि देश में बाघों की संख्या बढ़ी है। विश्व बाघ दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को ही देश के बाघों की गणना की विस्तृत रिपोर्ट जारी करते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि दुनिया के 70% बाघ भारत में मौजूद हैं। वहीं साल 2018 की रिपोर्ट के तहत देश में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। पूर्व में हुई गणना के लिहाज से देखा जाए तो साल 2014 के मुकाबले 741 बाघों की बढ़ोतरी हुई है। इधर बाघों के संरक्षण को लेकर भारत अब दुनिया के दूसरे देशों की मदद करेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने दुनिया भर में 13 ऐसे देशों की पहचान की है जहां मौजूदा समय में बाघ पाए जाते हैं, लेकिन संरक्षण के अभाव में इनकी संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में भारत इन देशों को बाघों के संरक्षण के लिए बेहतर तकनीक और योजना मुहैया कराएगा। वहीं वर्ल्ड टाइगर डे पर भागलपुर के गंगा प्रहरी दीपक कुमार ने कहा कि ग्लोबल टाइगर फोरम के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में केवल 6000 बाघ ही बचे हैं, जबकि इनमें से 3800 से ज्यादा बाघ अपने देश में हैं। पर्यावरण प्रेमी दीपक कुमार ने बताया कि जैव विविधता संरक्षण में बाघों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसीलिए सारी दुनिया में इसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज विश्व बाघ दिवस है। विश्व बाघ दिवस की आप सबों को बहुत बहुत बधाई। बाघ एक कैरिस्मेटिक एनिमल है। जंगल में आप कितने भी जीवों को देखें, जब तक बाघ को नहीं देखें आनंद नहीं आता। ये आपके मन में करिश्मा करती है। बाघ अम्ब्रेला स्पीसीज है। बाघ के छत्रछाया में अनेकों जीव पलते बढ़ते हैं। बाघों का अगर हम संरक्षण करते हैं तो बाघों के साथ अन्य जीवों का भी संरक्षण स्वतः हो जाता है। आज भारतवर्ष में 3000 से ज्यादा बाघों की संख्या है और अपने बिहार में 40 से ज्यादा बाघों की संख्या है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और भारत सरकार बाघों के संरक्षण के लिए काफी प्रयास कर रही है। 2016 के पहले पगमार्क द्वारा बाघों के पांव के निशान द्वारा हम उनके पहचान संख्या चिन्हित करते थे, मगर अब जियो टैगिंग हर बाघ का अपना पहचान है। सूबे में लॉकडाउन के बावजूद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तेजी से चढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का ग्राफ जिले वासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बुधवार को आई ताजा रिपोर्ट की बात करें तो भागलपुर में 57 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि पड़ोसी जिला बांका से 20 एवं पूर्णिया से 70 संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2500 के करीब पहुंच चुकी है।
पर शहर में न तो लॉकडाउन के नियमों का सही ढंग से पालन हो रहा है और न ही इससे बचाव या रोकथाम के लिए नगर निगम की ओर से कोई पहल की जा रही है। बिहार में सर्वाधिक कोरोना संक्रमित राजधानी पटना से मिल रहे हैं। ताजा मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना से 337 संक्रमित पाए गए। परेशानी की बात तो यह है कि कोरोना पर लगाम लगाने में राज्य सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य महकमा भी असफल साबित हो रहा है। जुलाई के बाद दोबारा से लॉकडाउन लागू किए जाने की खबर को बिहार सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार सरकार के सूचना विभाग के अनुसार सोशल मीडिया पर गृह विभाग का एक आदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 1 अगस्त से लॉकडाउन अगले 16 दिनों तक बढ़ाई जाएगी, जो कि फर्जी है। बिहार सरकार के सूचना विभाग ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिनांक 29/7/2020 को लॉकडाउन से संबंधित पत्र फर्जी है। बिहार सरकार ने इस पत्र को फर्जी करार दिया है। इस पत्र को कृपया नजरअंदाज करें। नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत रंगरा अंचल कार्यालय से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। करीब 7 माह पहले मंदरौनी निवासी भगत निषाद के घर में आग लग गई थी। मुआवजे के लिए भगत निषाद लगातार अंचल कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। उन्हें 3 बार चेक भी मिल गया, लेकिन चेक मुकम्मल नहीं था। कभी उनके नाम में गड़बड़ी कर दी गई थी तो कभी टाइटल ठीक ठाक नहीं डाला गया था। अब जब 4थी बार भगत निषाद को चेक मिला है तो इस चेक की तिथि के जगह पर 27 जून 2022 अंकित कर दिया गया है। पीड़ित निषाद ने बताया कि वह इस चेक को लेकर जब बैंक गए तो बैंक कर्मियों ने उन्हें कहा कि आप 2 वर्ष बाद 2022 में बैंक आइए, उस समय आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि यहां पर निर्गत तिथि 27 जून 2022 का दिया गया है। जिसके बाद मायूस होकर पीड़ित अपने घर लौट गए। पीड़ित ने कहा कि जानबूझकर उनके साथ 3 बार पहले भी चेक देने में गड़बड़ी की गई। 3 बार उनके नाम में गड़बड़ी कर दी गई, जिसके कारण उनका रकम बैंक से नहीं निकाला जा सका। 4थी बार उन्हें उम्मीद थी कि इस बार सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन इस बार भी चेक में गड़बड़ी है। भगत निषाद ने कहा कि अंचल कार्यालय दौड़ने में भी उनके काफी पैसे खर्च हो गए हैं और उन्हें सिर्फ 9,800 का चेक मिलना है। वहीं रंगरा के अंचलाधिकारी जितेंद्र राम ने कहा कि त्रुटि कार्यालय के नाजिर द्वारा की गई होगी। वे मामले की जांच कर जल्द से जल्द पीड़ित को रकम दिलवाने की पहल करेंगे। फिर बोला कि 500 का, तो चलो गली प्रमुख बोला तो मतलब कि जवाब कर कि क्या ऐसे ऐसे पैसा मांग रहा है, इतना तुमको मारेगा ना, कुर्सी पे बैठने लायक नहीं रहने देगा, नौकरी से बर्खास्त हो जाएगा, कुर्सी में बैठने विकलांग कर देगा। उसके बाद की होले तो मतलब क्या हम कहबे फोन से नंबर की मतलब ठीक से चेक दे दे के पैसा मांगे रे नाजिर बाबू। सीओ साहब लंगे लड़िए सीओ साहब ने तो गेले कर के आज सीओ साहब नहीं छौ तो आज नाजर बाबू नहीं छौ ऐसे घुरी घुरी दिन भर बैठी का। एक और जहां पुलिस जिला नवगछिया के लोग वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दहशत में जिंदगी जी रहे हैं, वहीं बाढ़ ने नवगछिया अनुमंडल के ग्रामीण का जीना मुहाल कर दिया है। गंगा और कोशी नदी में उफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण पुलिस जिला नवगछिया के हजारों लोगों के घरों में पानी घुस गया है। रंगरा प्रखंड के दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश हो गया है। उधर खैरपुर कदवा पंचायत के महादलित टोला बेलसंडी चारों तरफ बाढ़ की पानी से घिर गया है, जहां जाने के लिए ना तो कोई सड़क है और ना ही सरकारी नाव। वहां के लोगों को बाढ़ राहत के नाम पर कोई मदद नहीं मिल रही है। इस विकट आपदा में बाढ़ पीड़ित दाने दाने के मोहताज हो रहे हैं। दूसरी तरफ मवेशी पालकों के लिए जानवरों का चारा लाना बेहद ही कठिन हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र के कई लोग जानवरों के साथ रोड पर ही अपना आशियाना बनाकर रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लिया है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि नवगछिया अनुमंडल के अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी नाव की मुकम्मल इंतजाम की जाएगी एवं कहारपुर में घर कटने की जानकारी मिलने के बाद बाढ़ पीड़ितों को सूखा राशन वितरित किया गया है। पानी में हेल के जाता है और हेल के आता है। नाव अब तक नहीं मुहैया करवाया गया? नाव आज नाजिर और कर्मचारी साहब आए हैं मुहैया करने के लिए, 2 नाव यहाँ का लोकल ही नाव मुहैया कराया। कितने दिनों से पानी है आपके यहाँ? पानी 1 महीना से है। आज आया नाव के लिए? आज आया है। जमीनी हकीकत क्या है, नाव चल रही है वहाँ पर? नाव कहाँ चल रहा है, आज अभी उसको रजिस्टर आज देगा। सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों के द्वारा तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी सेमेस्टर 2 सत्र 2018-2020 के परीक्षा कार्यक्रम का फर्जी पत्र डाल दिया गया है। वहीं पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि जो पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वह पूरी तरह से फर्जी है। पीआरओ ने स्पष्ट कर दिया कि विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के द्वारा इस तरह का कोई पत्र जारी नहीं किया गया है। वहीं टीएमबीयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर राम सेवक सिंह ने विश्वविद्यालय थाना में आवेदन देकर फर्जी परीक्षा कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर प्रचारित करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
इधर टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने छात्रों से अपील की है कि कोई भी छात्र फर्जी परीक्षा कार्यक्रम के बहकावे में ना आए। साथ ही कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय की गरिमा और प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले लोगों पर विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर एमडी, रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर समाहरणालय के सामने बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के बैनर तले शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार की ओर से जारी अनिवार्य सेवा निवृत्त नियमावली के आदेश की प्रति को जलाया। शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार की ओर से जारी इस आदेश को तानाशाह रवैया करार दिया और कहा कि इस तरह का नियम केवल सरकारी कर्मचारी अधिकारियों पर ही क्यों, नेताओं पर क्यों नहीं लागू किया जाता है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कोरोना काल में इस नियमावली के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। हम लोगों का मान है कि जिस तरह कर्मचारियों, शिक्षकों, पदाधिकारियों को आप अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे रहे हैं, उसी प्रकार नेता भी 50 साल के बाद अपने को जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति के तहत आ जाए, ताकि जो है युवा देश को संभाल सके, राज्य को संभाल सके। साथ ही आज हम लोगों ने सरकार के आदेश को जलाकर विरोध दर्ज किया है। यह विरोध पूरे बिहार में दर्ज किया गया है। यदि इस विरोध के बावजूद भी बिहार सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। बांका अमरपुर थाना क्षेत्र के नयाचक गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना में महिला समेत एक युवक जख्मी हो गया।
घायल पवन पंजियारा एवं गोविंद पंजियारा की पत्नी का प्राथमिक उपचार स्थानीय रेफरल अस्पताल में किया जा रहा है। मामले को लेकर जख्मी पवन पंजियारा ने बताया कि अपने खेत में अड्डा देने से नाराज गांव के ही लड्डू पंजियारा और दिनेश पंजियारा ने 5 दिन पूर्व गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी, जिसके बाद अमरपुर थाने में शहना दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि मंगलवार को लड्डू पंजियारा, दिनेश पंजियारा, विनोद पंजियारा, सुशील पंजियारा, प्रिंस पंजियारा एवं पंकज पंजियारा हथियार से लैस होकर खेतों में छिपकर बैठे थे। जब वह अपनी बड़ी मां जीरा देवी के साथ अपने खेत की ओर जा रहे थे तो अचानक उक्त लोगों ने हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। मामले को लेकर जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं थानाध्यक्ष कुमार सनी ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुसंधान किया जा रहा है। मेरे बड़की माँ और मेरे पवन भैया को मरा है और जमीन का विवाद चल रहा था, केस भी दर्ज हुआ है और ये रास्ते से जा रहा था अपना खेत और जाके गांव के बाहर में जाके मार दिया और मेरे पवन भैया को माथा में मरा, माथा फूटा हुआ है और बड़की हाथ में भी मरा, हाथ से कट गया है, खून निकल रहा है। बांका फुल्ली डूमर में विशेष मेडिकल टीम द्वारा रैपिड किट से प्रखंड एवं अंचल समेत अन्य कर्मियों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 5 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चिकित्सा प्रबंधक परशुराम सिंह ने कर्मियों के पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। चिकित्सा प्रबंधक ने बताया कि प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी समेत 36 अधिकारी एवं कर्मियों की जाँच की गई थी। सरकारी कर्मियों के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद फुल्ली डूमर बाजार एवं मुख्य सड़क सूना हो गया है, साथ ही सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। भागलपुर प्रधान डाकघर में बुधवार को डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने मास्क, गमछा और सैनिटाइजर शॉप का उद्घाटन रीवन काट कर किया। डाक अधीक्षक ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डाक विभाग आम लोगों को यह सेवा दे रहा है। वहीं प्रभारी डाकपाल चंद्रशेखर मंडल ने कहा कि प्रधान डाकघर में 100 ml से लेकर 500 ml तक का सैनिटाइजर, सभी प्रकार के मास्क और 2 तरह का गमछा उपलब्ध है। शॉप इंचार्ज अरुण कुमार पांडे ने बताया कि डाकघर में बच्चों के लिए आकर्षक मास्क काफी कम रेंज में उपलब्ध है। आज हम लोग आज से शुरुआत किए हैं, खादी इंडिया और जो डाक विभाग के द्वारा यह समझौता हुआ है कि हम लोग हैंड सैनिटाइजर, मास्क, गमछा और जो है रूमाल हम लोग डाक विभाग के काउंटर से बेचेंगे। इसी का आज उद्घाटन हम लोग कर रहे थे। पोस्टमास्टर साहब बगल में है, डाक निरीक्षक सुनील जी हैं और आजाद जी हैं, यहाँ के सचिव हैं और एपीएम एसबी जी। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 स्थित अहमदनगर में मंगलवार को तार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से 8 वर्ष का बच्चा घायल हो गया। घायल बच्चे की पहचान मोहम्मद इकाइल अंसारी के पुत्र मोहम्मद मुनव्वर के रूप में हुई है, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत में सुधार हुई। बता दें कि पूर्व में भी कई लोगों को करंट लग चुका है। बिजली विभाग को कई बार लोगों ने तार हटाने को लेकर शिकायत भी की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई विभाग द्वारा नहीं की गई है। हाँ जो है सर, बिजली का बहुत प्रॉब्लम है और आए दिन तार गिरते रहता है और कई बार बच्चे को भी करंट लगा, आदमी को भी करंट लग गया और शर्मा जी भी आए थे, रोड का उद्घाटन किया, वो भी तार उर देखे। कौन शर्मा जी? अजीत शर्मा जी विधायक, वो भी आए थे, रोड का शिलान्यास किया, उसके बाद देख उख के जो है बिजली ऑफिस में फ़ोन किया कि आके इसका जो है समाधान कीजिए, मगर जो है बिजली डिपार्टमेंट सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। इस कहावत को सन्हौला थाना क्षेत्र के प्रेमी युगल ने चरितार्थ कर दिखाया है। प्रेमी युगल ने जब एक दूजे का होने की ठानी तो परिवार की बंदिशें और लॉकडाउन का असर भी बेअसर हो गया। प्रेमिका अपने घर से पैदल कई किलोमीटर दूर निकल आई और प्रेमी रास्ते में उसे अपने साथ बाइक पर बैठा कर गाँव के ही एक मंदिर ले गया, जहां दोनों ने एक दूसरे से शादी कर हमेशा के लिए एक हो गए। हालांकि शादी के दौरान दोनों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन भी किया। मामला कहलगांव अनुमंडल के सन्हौला थाना क्षेत्र का है, जहां सनोखर निवासी 21 वर्षीय साजन कुमार पासवान पड़ोसी गाँव के सनोखर निवासी 19 वर्षीय काजल कुमारी से प्यार करता था, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। वहीं शादी से नाराज लड़की के परिजनों ने अपनी ही बेटी के अपहरण की शिकायत सन्हौला थाना में दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष प्रवेश जमाल को बनाया गया है, जबकि पार्टी ने अभय आनंद और बिपिन बिहारी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। बुधवार को जिला कांग्रेस भवन में नवनियुक्त अधिकारियों का स्वागत नगर विधायक अजीत शर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका वह स्वागत करते हैं। मौके पर पार्षद संजय सिन्हा समेत कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
प्राथमिकता है कि सारे कार्यकर्ता जो हमारे कांग्रेस के हैं वो रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ता को हमको जो है एकजुट करना है। कांग्रेस ऐसे भी मजबूत है, यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं है, कोई हम लोग गुट निरपेक्ष रूप से काम करेंगे यहाँ पे जो है, और जन जन तक हम लोग पहुंचने का काम करेंगे, जिससे कांग्रेस जो है भागलपुर में मजबूत। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में हेल्पिंग हैंड संस्था की ओर से जरूरतमंद वकीलों और कोर्ट परिसर में काम करने वाले लिपिकों एवं अन्य निर्धन कर्मचारियों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर संस्था के सदस्यों के साथ कोर्ट के कर्मचारीगण भी मौजूद थे। कोविड-19 के समय जब देश इकोनॉमिक क्राइसिस के से गुजर रहा है, तो जरूरतमंद लोगों के बीच में हम राहत सामग्री का वितरण करते हैं। अभी हम भागलपुर कचहरी परिसर में हैं, और क्योंकि काफी दिनों से भागलपुर का न्यायालय बंद है, तो वकीलों की कमाई का स्रोत बंद है। इस कारण से इनके जो जरूरतमंद है उनके बीच में हम राशन आदि, मास्क, सैनिटाइजर, ये सब सामानों का वितरण कर रहे हैं। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विश्व बाघ दिवस पर बाघों के संरक्षण पर हुई चर्चा, पूरी दुनिया में बाघों को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर, 57 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 2500 के पार। इकतीस जुलाई से लॉकडाउन की खबर है झूठी, सूचना विभाग ने ट्वीट कर वायरल हो रही खबर को बताया फर्जी। घर में आग लगने से बेघर हुए पीड़ित को दिया गया 2022 का चेक, बैंक ने कहा 2 साल बाद मिलेंगे पैसे। और गंगा और कोशी का जारी है कोहराम, हजारों लोग हुए बेघर, सड़क पर जीवन यापन करने को है मजबूर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।